और अब बात करेंगे मतगणना की, जहां पर लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही है और समाचार प्रेस आपको सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले बता रहा है। 10 जिला परिषदों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। 7 जिला परिषदों में बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो गया है। 1 जिला परिषद में निर्दलीय आगे चल रहे हैं, वहीं पर 1 जिला परिषद में कांग्रेस आगे है। 3 जिला परिषदों में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया। 70 पंचायत समितियों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, तो ही 51 पंचायत समितियों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पंचायत चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहां पर बीजेपी जश्न मना रही है तो कहां पर कांग्रेस जश्न मना रही है। 10 जिला परिषदों की अगर बात करें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 7 जिला परिषदों में बीजेपी का बोर्ड बनना लगभग तय है। 1 जिला परिषद में इस वक्त निर्दलीय आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 जिला परिषद में इस वक्त आगे चल रही है और 3 जिला परिषदों में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है। तो परिणाम लगातार समाचार प्रेस आपको बता रहा है, 70 पंचायत समितियों पर बीजेपी का कब्जा है जबकि 51 पंचायत समितियों में कांग्रेस का कब्जा है। तो पंचायत चुनाव के बाद मतगणना चल रही है, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। हम आपको अलग अलग शहरों की 8 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर झुंझुनू की है, जहां पर सेठ मोतीलाल कॉलेज में काउंटिंग चल हो रही है। तो दौसा नागौर में भी मतगणना हो रही है, दोपहर तक सभी वार्ड के रिजल्ट आने की संभावना है। भरतपुर में वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 12 और टोंक में भी काउंटिंग जारी है। सिरोही में 8 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं, इनमें से 5 बीजेपी के खाते में और 3 कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। आखिरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां पर 9 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हो रही है। पंचायत समितियों के 167 सदस्यों के भाग्य का फैसला आज होना है। 8 अलग अलग जगहों की तस्वीर, मतगणना स्थल की तस्वीरें हैं 8 अलग अलग जगहों की, जहां पर इस वक्त पंचायत चुनाव के लिए मतगणना हो रही है। परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर शुरू हुआ था और देर रात तक माना जा रहा है कि तमाम जगहों की तस्वीर साफ हो जाएगी। और अब तक ये 4 और अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़, सीकर, बांसवाड़ा और चूरू। सबसे पहले जहां जहां ईवीएम से वोटिंग हुई है उनकी काउंटिंग की गई, फिर जहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग की गई है मतपेटियों खोला गया। वहीं कई जगहों पर जहां पर परिणाम आ चुके हैं वहां पर जश्न का दौर भी शुरू हो गया है, जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। वही बात जैसलमेर की अगर करें तो जैसलमेर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 3 पंचायत समितियों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। जिला परिषद की सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा है, यानी कि जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 3 पंचायत समिति पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। इसके अलावा बात जिला परिषद की अगर करें तो जिला परिषद की सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जैसलमेर में साफ हो गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि आखिरकार जब राज्य में आपकी सरकार है फिर कैसे जैसलमेर में आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कमोबेश 2-3 जगहों में इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। तो पंचायत चुनाव के लिए मतगणना का दौर चल रहा है और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देर शाम या देर रात तक जो पूरे राजस्थान की तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि कौन जीता, कौन हारा, कौन लीड पर रहा। इस वक्त फिर चलते हैं जयपुर, जहां से विक्रम सिंह राजपुरोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पीयूष शर्मा। पीयूष, इस वक्त आप जहां हैं सबसे पहले तो वहीं की जानना चाहूंगा, जयपुर में किस तरीके का समीकरण बन रहा है दोपहर 3 बजे तक?
ये दोपहर 3 बजे तक की कभी बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं, पंचायत समितियों से जुड़े जो मतपत्र है उनको उनकी गणना का काम शुरू हो चुका है। और जहां तक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता सकता हूं कि जयपुर जो कि राजधानी है प्रदेश की, वहां पर कांग्रेस, क्योंकि ग्रामीण इलाके के भी मतों की गिनती चल रही है, विराटनगर की बात की जाए तो 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे जो कि विराटनगर पंचायत समिति की स्थिति है। कोटपुतली की बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे। इसी तरह सांगानेर की बात की जाए तो सांगानेर की भी एक पंचायत समिति की जो सीट है उसका परिणाम घोषित कर दिया गया और यहाँ पर भी कांग्रेस का ही प्रत्याशी विजय रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक के जो परिणाम सामने आए पंचायत समितियों से जुड़े जो वार्ड है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे रहे। हालांकि अभी काफी पंचायत समितियों की जो वार्ड बचे हुए उनकी गणना का कार्य जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान और शुरुआती जो नतीजे सामने आए उसमें कांग्रेस यहाँ पर अप करते नजर आ रही है। जी पीयूष, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो मतदाता बहुत कम होते हैं, हम लोकसभा या विधानसभा चुनाव के तरीके से पंचायत चुनाव को नहीं देख सकते। अगर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान में अगर कोई बहुत ज्यादा लीड कर गया है तो परिणाम फिर उसी तरीके के होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर कांग्रेस यहां पर लीड करती नजर आ रही है तो बीजेपी के लिए क्या मैसेज है? देखिए, बीजेपी के लिए साफ तौर पर मैसेज है कि राजधानी से, चूंकि हम राजधानी के जो अलग अलग गांव थे उसमें भी कवरेज करी थी, मतदान के दौरान हमने ग्रामीणों से बात करी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी लोगों के मन में, एक चीज को लेकर कसक थी कि राजधानी के ग्रामीण इलाकों में वो रह रहे, प्रदेश की राजधानी जहां पर सरकार रहती है, बावजूद इसके जो मूलभूत आवश्यकता है चाहे सड़क की बात की जाए या पेयजल की बात की जाए काफी गंभीर समस्या है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो नाराजगी है आम मतदाताओं की नाराजगी थी और यही नाराजगी अब चूंकि जब वोट पड़ चुके हैं और वोट का जो परिणाम सामने आ रहा तो धीरे धीरे वो सामने आ रहे। हालांकि विराटनगर की बात की जा रही, कांग्रेस का दबदबा शुरू से वहां से रहा है और 5 सीटें कभी वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते तो एक बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोटपुतली की 1 सीट आना और सांगानेर जो कि घनश्याम तिवारी जो कि दिग्गज भाजपा के विधायक है, उसके अलावा रामचरण बोरा जो कि सांगानेर से आते सांसद भी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से इस प्रकार की 1 सीट का जो शुरुआती नतीजा सामने आया उसमें कांग्रेस के पक्ष में जाना कहीं ना कहीं राजधानी में बैठे जो प्रदेश के बड़े नेता है उनके लिए चिंता का विषय माना जा सकता है। धर्मराज, चलिए ये तो चिराग तले अंधेरी की बात हो गई, पूरे राजस्थान की बात छोड़ी, जयपुर अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि राजधानी है। विक्रम भी हमारे साथ बने। विक्रम, जयपुर से तर अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक जो परिणाम आ रहे हैं कि 7 जगहों पर बीजेपी के बोर्ड बनने तय हो गए हैं, कांग्रेस के खाते में 3 जगहों पर कांग्रेस पार्टी बोर्ड बना रही है, लीड भी बीजेपी कुछ सीटों पर कर रही, कांग्रेस भी कुछ सीटों पर लीड कर रही है, यानी जो हम लगातार पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की थी क्लीन स्वीप करने के लिए, वहां पर तो नाकाम होती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। जी धर्मराज, जिस तरह से भाजपा ने कहा था और जैसे आपने शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा आने के बाद जिस तरह नेताओं ने बयान दिए थे कि कांग्रेस का आधा सफाया हो चुका है और आधा जनता कर देगी, तो वो जो बयान थे वो बयानों की हकीकत अब सामने आ रही है। कांग्रेस ने उस वक्त भी कहा था कि बीजेपी और कॉन्फिडेंस में चल रही है, जिस तरह जीत की नाव पर सवार है तो और कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा था और यही कुछ तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं कांग्रेस ज्यादा नहीं पिछड़ रही है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का जो जिस तरह से राज्य सरकार में सत्ता पक्ष है, केंद्र में सत्ता है और जिस तरह भाजपा बैठी है, लेकिन उस तरह से तो कांग्रेस को साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन उस बात को देखते हुए लग नहीं रहा है कि भाजपा अपने मंसूबे में कामयाब हो पाई है। कांग्रेस पीछा कर रही है लगातार और अभी तो सिर्फ 16 जिलों की ईवीएम मशीनें खुलने के बाद ये परिणाम सामने आए हैं। अभी मतपेटियां खुलनी है, मतपत्रों की गिनती होगी तो तस्वीर का दूसरा पहलू शाम। लेकिन विक्रम, ये जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान भी हम जिसे कह सकते हैं, अगर बहुत आगे कोई प्रत्याशी लीड कर गया, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है कि इंतजार करते हैं कि फलाना विधानसभा का मत पे ईवीएम खोलने दीजिए, मैं अचानक से बहुत ज्यादा लीड कर जाऊंगा, यहां पर 5 वोट 50 वोट से जीत और हार तय होती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, अगर जयपुर की बात करें, जयपुर राजधानी है तो विशेष तौर पर लोगों की नजर जयपुर में होती है, अगर वहां पर कुछ कमबैक कर जाती है तो बीजेपी के लिए एक सख्त मैसेज होगा ये? बिल्कुल, बहुत बहुत सख्त मैसेज होगा। अगर जयपुर के आसपास हो जाती है, राजधानी के पास हो जाती है तो कहीं ना कहीं से बीजेपी का और कॉन्फिडेंस कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, क्योंकि वो आश्वस्त थी कि जिस तरह से सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनकी है, हर जगह नगर निकाय में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है, जीत की नाव पर सवार होकर लगातार किले फतेह करती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन हो सकता है कि ये जो सोच है, ये जो जीत की सोच को लेकर वो चल रही थी, वो कहीं ना कहीं और भी ओवर कॉन्फिडेंस है उनको भारी पड़ सकता है। और जिस तरह सीमावर्ती इलाकों में जैसलमेर, बाढ़,
बाड़मेर में जो कुछ हुआ है, जसवंत सिंह की नाराजगी अब सामने आ रही है, वहां कुछ और समीकरण बने हैं गाजी फकीर के, रूपाराम धंधे और उनके जो समीकरण जातिगत समीकरण बने हैं, और जो पुराने बागी थे बीजेपी के उनकी नाराजगी अब दिखी है, वहां पर कांग्रेस का कब्जा होना बहुत बड़ा संकेत है, भाजपा की चिंता का विषय। पीयूष भी हमारे साथ बने हुए। पीयूष, जब वोटिंग हो रही थी लगातार हमारे बीच बातचीत होती थी, आप लोगों से मिलते थे, लोग अपनी समस्या बताते थे, विकास एक बड़ा अहम मुद्दा होता था, विकास चाहिए, विकास करना है, बदलाव हमें करना है, ये लोगों की आम राय थी। लेकिन हमने देखा नगर निगम के चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करके गई, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वहां पर ग्रामीण मतदाता कुछ दूसरे डिफरेंट सोच रखते हैं, सोच अलग होती है ये सबको पता है, लेकिन ये सोच अलग क्यों हो रही है? देखिए, सोच अलग होने का एक बड़ा कारण है धर्मराज, क्योंकि शहर की और ग्रामीण जो स्थिति है दोनों की भौगोलिक स्थिति में दिन रात का अंतर है। शहर में चूंकि सरकार रहती है, शहर में आला पदाधिकारी रहते हैं, पार्टी से जुड़े बड़े नेता भी रहते हैं, कहीं ना कहीं विकास की जो गंगा है वो शहरों में ज्यादा बहती है, लेकिन ग्रामीण इलाके है वहां पर वोट बैंक के रूप में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो दोनों इस्तेमाल करती। तो ऐसी स्थिति में आज जब शैक्षणिक योग्यता की कभी बात की जाए प्रदेश में, ये इन चुनाव में लागू की गई है, कहीं ना कहीं शैक्षणिक वातावरण भी बना है और ग्रामीण जनता जो है, ग्रामीण मतदाता जो है वो जागरूक हुआ है। यही कारण ना कि जो आज का जो परिणाम धीरे धीरे जो रुझान सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले नहीं कह जाएंगे, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि ग्रामीण मतदाता अब जागरूक हो गया है, विकास के नाम पर वो वोट दे रहा है और अपने क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है उसको ध्यान में रखकर, उन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट कास्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा आकलन भी एक माना जाएगा धर्मराज कि पिछले 13 महीने में सरकार ने ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए क्या करा, क्या सरकार ने 13 महीनों में जो योजनाओं की घोषणा की उसको धरातल पे लाने के लिए सरकार ने कुछ काम करा, खासतौर पर जो बिजली और पानी से जुड़ी समस्याएं थी ग्रामीण इलाकों में उसको सुधार करने के लिए, उसमें कुछ राहत देने के लिए, ग्रामीण इलाकों में राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ग्रामीणों ने इस बार वोट कास्ट करा है। जी जी, कई सारे मुद्दे थे जो लगातार हमारे भी चर्चा होती थी, उसमें ग्रामीण वोटर बता भी रहे थे, और चीजें जो अब तक नजर आ रही है वो बदलाव की और संकेत भी कर रहे हैं, हालांकि ये अभी शुरुआती तौर का रुझान अपने दर्शकों को लगातार बता दें, अभी परिणाम नहीं है, रुझान आ रहे हैं और रुझान भी बहुत कुछ कहते हुए जाते हैं, ये रुझान भी बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन एक सवाल तो जरूर उठेगा कि पिछले 13 महीने में वसुंधरा राजे सरकार ने ग्रामीण जनता के लिए क्या कुछ किया, घोषणाओं के अलावा जमीनी हक की धरातल पर क्या कुछ जो घोषणाएं की गई थी उसे अमली जामा पहनाया गया या नहीं? क्योंकि टीवी चैनल्स पर या अखबारों पर आप एक दावा कर देते हैं कि फलाना फलाना चुनाव चल रहे थे, हम व्यस्त थे, ग्रामीण जनता शायद इससे सरोकार नहीं रखती है। बिल्कुल सही है धर्मराज, जनता को इससे कोई सरोकार नहीं कि आपने मीडिया में क्या घोषणा करी है, बड़ी बड़ी बातें क्या करी है, लेकिन जनता ये जानती है कि उसके इलाके में क्या वो जिस समस्या से जूझ रहा है उसके लिए उस समस्या का समाधान पिछले कई सालों में हुआ, पिछले कुछ महीनों में हुआ, या वो प्रत्याशी जो कि चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आया था लेकिन जब उसको समस्या बताई गई, यदि वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ था तो उसके समाधान के लिए उसने क्या कोई ठोस प्रयास करे, या आगे उसकी सरकार से जुड़े जो मंत्री है या बड़े पदाधिकारी है, विधायक है, उनसे बात करके ये मैसेज वहां कुछ आया? तो इन सभी बातों का आकलन आजकल की जो मतदाता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों ना रहते हो, वो इस पूरा आकलन करने के बाद ही अपना वोट कास्ट करते हैं, क्योंकि वोट की ताकत को आज से जो ग्रामीण मतदाता है वो पहचान चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये धर्मराज, मैं आपको बता दूं, चूंकि मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो 8 जिला प्रमुख अभी भाजपा के थे, यदि इससे इसकी संख्या में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फील गुड करने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणाम आए थे, लोकसभा चुनाव के परिणाम राजस्थान में देखने को मिले थे, उस दृष्टि से वोट बैंक बढ़ता है नहीं बढ़ता, ये एक सोचने वाली बात होगी कि कभी उसकी आधार नहीं, ये चलिए तो बीजेपी का अखबार से बने रहिए, तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पीयूष अखबार साथ बने, नीरज शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम नीरज से बात करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, समाचार पत्र पर सबसे तेज और सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जिला परिषदों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 7 जिला परिषदों में बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो गया है, जबकि 1 जिला परिषद में निर्दलीय आगे है, तो 3 जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 3 जिला परिषदों में कांग्रेस का वोट बनना तय हो गया है, 70 पंचायत समितियों में बीजेपी का कब्जा है। तो समाचार प्लस पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, 7 जिला परिषदों में बीजेपी का वोट बनना तय है, 8 जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 जिला परिषद में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इसके अलावा 3 जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 3 जिला परिषदों में कांग्रेस का वोट बनना तय हो चुका है।
पंचायत समितियों की अगर बात करें तो 70 पंचायत समितियों में बीजेपी का कब्जा है, 51 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ है। समाचार प्लस लगातार आपको इस मतगणना के पल पल की अपडेट से रूबरू करवा रहा है। हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं लगातार, सबसे सटीक और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, समाचार प्लस आपको बता रहा है कि किस तरीके से तस्वीर बदल रही है पंचायत चुनाव के। गांव की सरकार बननी है और गांव की सरकार बनने के लिए जो लोगों ने मतदान किया था वो किसके परिणाम क्या कुछ आ रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज शर्मा भी अब जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, सुबह 8 बजे से वोटिंग मतगणना शुरू हुई, उसके बाद 12 बजे तक तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई और 12 बजे जो तस्वीर थी वो 3 बजे से बजे तक और कुछ उलट हो गई, जिसका जिक्र हम विशेष तौर पर जयपुर के ही कर रहे हैं। जो जयपुर में रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी लीड करती नजर आ रही है, किस तरीके का मैसेज है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो जयपुर के अंदर लीड करती नजर आ रही है। विराटनगर में 9 सीटों पर पंचायत समिति की अब तक घोषणा हो चुकी है, जिनमें से 6 पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। अगर हम बात करें विराटनगर की तो वार्ड नंबर 1 पर महेंद्र गुर्जर कांग्रेस के विजयी हुए हैं, वार्ड 6 पर सुरेश गुर्जर कांग्रेस के विजयी हुए हैं, वार्ड नंबर 9 पर कृष्णा मीणा, वार्ड नंबर 18 पर कैलाश चंद मीणा कांग्रेस के विजयी रहे हैं, वार्ड 2 पर सुमन सैनी ये भी कांग्रेस की है विजयी रही है, और जबकि वार्ड 16 पर धौली गुर्जर जो निर्विरोध पहले ही कांग्रेस की घोषित हो चुकी है इन 6 सीटों पर, जबकि 3 सीटों पर वार्ड नंबर 4 से, वार्ड नंबर 10 से और वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिनकी जीत हुई है, महज 3 सीटें अभी तक 9 से बीजेपी दर्ज कर पाई है। इसी तरह कोटपुतली की बात करें तो कोटपुतली में पंचायत समिति में 7 नंबर जो वार्ड है वहां से सुनीता देवी कांग्रेस की विजयी घोषित हुई है। जयपुर की यह स्थिति है। राजस्थान कॉलेज के परिसर के अंदर मैं खड़ा हूं जहां पर मतगणना लगातार जारी है। झोटवाड़ा, विराटनगर, आमेर, जालसू और तमाम जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों की मतगणना फिलहाल जारी है और शाम तक जो परिणाम है वो धीरे धीरे करके सामने आते रहेंगे और उसके बाद में पंचायत समितियों के बाद में जिला परिषदों के जो परिणाम है वो सामने आएंगे। लेकिन ना कहीं ये नजर आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चाहे कोटपुतली हो चाहे विराटनगर हो, जिस तरीके से खाते खोले हैं कांग्रेस ने वो काफी बड़े मुकाबले में भाजपा के सामने उतरी है और कांग्रेस लीड करती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा को भी सोचना होगा कि राजधानी जयपुर के अंदर ये स्थिति बन रही है तो क्या इसके कारण रहे और किस तरीके से जो पार्टी है वो धक्का उस पार्टी को लगा है यहां पर इन सीटों की डिक्लेरेशन में। जी धन्यवाद। हमने जब टिकट की घोषणा हो रही थी नीरज, उस वक्त भी हमने देखा था कि आखिरी वक्त तक इंतजार किया गया बीजेपी और कांग्रेस की ओर से। कई बार तो कई जगहों पर तो यह भी देखा गया कि 2 घंटे जब आखिरी वक्त बचे थे नॉमिनेशन फाइल करने की, उससे पहले टिकट जारी किए गए, तमाम एहतियात बरती गई, लेकिन ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। जब मैं वोट करने जाऊंगा या आप वोट करने जाइएगा तो आप मूलभूत चीजें देखिएगा कि आपके घर में पानी आता है या नहीं, आपके घर के बाहर की सड़क दुरुस्त है या नहीं, ये सभी चीजें लोगों ने देखी और शायद जो चीजें गांव की जनता को चाहिए वो पिछले 13 महीने में राज्य सरकार देने में नाकाम रही है। जी बिल्कुल, गांव की जनता जो है वो चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, वहां चाहे शौचालय की बात हो या फिर स्कूलों की बात हो, चिकित्सा व्यवस्था की बात हो या फिर सड़कों की बात हो, खेतीबाड़ी के अंदर यूरिया जैसे खाद एक बड़ा मुद्दा बना इस बार, बिजली की समस्या रहती है किसानों को, सिंचाई के लिए समस्या आती है, पानी की कोई बड़ी परियोजनाएं नहीं लाई जाती, पीने के पानी के लिए आज भी महिलाएं दूर जो नलकूप है या तो उनपे जाती है या फिर कुओं पर जाती है, ऐसे में काफी सामना करना पड़ता है मुश्किलों का। राजस्थान के अंदर जहां जो लू गर्मी के समय में लू तेज चलती है और सर्दी में ठंड तेज पड़ती है, बरसात अच्छी होती है, ऐसे में लोग परेशान रहते हैं कि जो जन समस्या है उनका निपटारा होना चाहिए। कहीं जल जमाव की समस्या है तो कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं सड़कों के बदाली है, रोड की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है, ऐसे में जो लोकल जनप्रतिनिधि होती हैं उनसे ये डिमांड रखी जाती है। बिल्कुल, और ग्रामीण जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठा के रखें। चलिए ठीक है, विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, एक ग्रामीण जनता के नजरिए से हम अगर सोचें तो ग्रामीण जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी? क्योंकि एक सीधी सी बात है, कृषि मुख्य उनका व्यवसाय है, खेती करते हैं तो खाते हैं, बेचते हैं तो कुछ पैसे आते हैं। अगर मुझे 5 दिन 7 दिन तक लाइन लगना पड़ेगा खाद के लिए, खाद मिल नहीं रही,
उसके बाद अगर मुझे लाठियां खानी पड़ेंगी पुलिस की, तो क्या मैं उस सरकार को वोट दूंगा? और सबसे बड़ी बात कि तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो इस चीज को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि खाद की कहीं कमी है। हाँ बिल्कुल धर्मराज, कहीं ना कहीं ये कारण बहुत अहम कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने का। लेकिन गांव की जो स्थिति होती है उसमें जिस तरह से निर्वाचन विभाग या जो प्रत्याशी होते हैं हर जगह अपना प्रचार प्रसार करते हैं अलग अलग माध्यमों से, लेकिन गांव की स्थिति अलग होती है। वहां पर जो रसूख रखते हैं, जिनकी साख होती है, वो आदमी अपने प्रभाव से, अपने बल से, अपने प्रभाव से वोट हासिल करते हैं, ना कि किसी पार्टी के पार्टी विशेष से। वहां व्यक्ति विशेष की ज्यादा चलती थी, जाति समीकरण बनते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह का दौर बदल रहा है उसमें वाकई में मुद्दे और जो विकास की बातें हैं वो अहम होने लगे हैं। तो ये बातों की तरफ भी जरूर ग्रामीण जनता का ध्यान गया है कई सालों से। बिल्कुल, एक पते की बात विक्रम आपने कही है कि ग्रामीण जो पंचायत चुनाव होते हैं वहां पर चेहरा एक बड़ा मैटर करता है। क्या इस बार ग्रामीण जनता ने चेहरे को भी दरकिनार कर दिया, इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ का बयान आया है पंचायत चुनाव के नतीजों पर। कालीचरण सराफ ने कहा है कि गांवों में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। शिक्षा मंत्री है कालीचरण सराफ, उन्होंने कहा है कि गांव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन इसके आगे उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी लीड करती नजर जरूर आ रही है। लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं क्या उससे बीजेपी खुश होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त पीयूष हमारे साथ लगातार बने हैं। पीयूष, ये जो शिक्षा मंत्री अभी कह रहे हैं कि गांव में सरकार बनेगी, अब वाकई स्थिति कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ठीक नजर आ रही है, लेकिन जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद जब सवाल पूछा जाएगा कि आपने जो टारगेट रखा था, जब आप तैयारी करते हैं तो आउट ऑफ 100 आपको नंबर चाहिए होते हैं, 70 नंबर में भी लोग 33 नंबर से भी पास होते हैं, तब जब पास होने का आंकड़ा उनसे पूछा जाएगा तो शायद बीजेपी के नेताओं को जवाब देने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, लेकिन कालीचरण सराफ की कभी बात की जाए, शिक्षा मंत्री है, उनके पास बीकानेर का प्रभार है क्योंकि बीकानेर के प्रभारी मंत्री वो बनाए गए थे। हालांकि बीकानेर के अब तक जो परिणाम है वो सामने नहीं आ पाया, तो एक बार बीकानेर का जो परिणाम सामने आएगा उसके बाद कालीचरण सराफ का क्या बयान रहता वो देखने वाली बात होगी। लेकिन शुरुआती जो रुझान है उसके आधार पर भाजपा के नेता इस प्रकार के बयान दे तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। सबसे खास बात यह भी मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा 8 जिला प्रमुख थे, जहां पर अभी पिछली बार की कभी बात की जाए चुनाव में, तो 8 जिला प्रमुख बीजेपी के थे, उससे बढ़ते सीट आती है। लेकिन क्या भाजपा लोकसभा चुनाव जीतती जो सफलता है वो दोहरा पाएगी, निकाय चुनाव जीतती जो सफलता है वो दोहरा पाएगी, उसी प्रतिशत में वोट बैंक अपना ग्रामीण वोट बैंक बढ़ा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। यदि आप उस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, केवल 8 सीटों से बढ़कर 10 या 12 या 15 या 20 सीटों तक पहुंच जाते हो, तो ये केवल एक अच्छा परिणाम नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को बीजेपी को भी सोचना होगा कि जो वोट बैंक का जो प्रतिशत था जो पिछले चुनाव में उसके साथ रहा, वो क्या आगे खिसक के ग्रामीण गांव की जब सरकार चुनने की बात आती है क्या उसमें भी कायम रहता, ये प्रतिशत कायम रहता, ये एक बड़ी सवाल होगा। बिल्कुल, अब बीजेपी ने खुद जो अपेक्षा है, जो टारगेट है, उसे बीजेपी ने खुद आगे बढ़ाया है। पिछले बार बीजेपी के पास 8 जिला प्रमुख थे, उस 5 साल पहले की परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी, इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। नीरज, 8 जिला प्रमुख बीजेपी के पहले थे, अगर इस बार बीजेपी 20-22 तक भी ले आती है तो क्या बीजेपी खुद को खुश मान सकती है कि चीजें उनके अनुरूप हुई है? देखिए, भाजपा जो है राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पिछले 3 चुनावों के अंदर बड़ी जीत दर्ज करती आई है, ऐसे में कांग्रेस का यही आरोप है, कांग्रेस का यही कहना है कि भाजपा भाई सत्ता के अंदर है और सत्ता के पक्ष में जो है वो वोटिंग पंचायत चुनावों के होती आई है, ऐसे में भाजपा को लीड करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस भी कई जगह पर मुकाबले में कड़े तौर पर खड़ी हो रही है। जिस तरीके से हमने जैसलमेर की बात की, बाड़मेर क्षेत्र की बात की, हमने बात की कोटा की, चित्तौड़गढ़ की, जहां पर कांग्रेस अच्छे रूप के अंदर उभर करके सामने आई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कहने को ये खुशी की एक बात कही जा सकती है कि अच्छा एक परिणाम जो है वो कांग्रेस लेकर के आई है। जिस तरीके से मटिया मेट कांग्रेस पार्टी की हुई थी पिछले 3 चुनावों के अंदर, उसमें एक बड़ा कमबैक
तक इसे माना जा सकता है कांग्रेस का राजस्थान के अंदर। हालांकि अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें, पूरे राजस्थान की 33 जिलों की अगर हम बात करें, जिस रूप में कांग्रेस को ऐसे कोई चमत्कार की जो उम्मीद है वो जनता ने भी नहीं लगा रखी थी कि कांग्रेस बहुत बड़ा कोई चमत्कार कर देगी, पूरा क्लियर स्वीप कर देगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन भाजपा के लिए अपने आप को जो जादू चला था, उसके बाद ही सारी चीजें और भी क्लियर तरीके से कही जा सकते। फिलहाल पंचायत चुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है, तमाम जगहों से रिजल्ट भी आने शुरू हो गए, परिणाम भी आने शुरू हो गए। समाचार पत्र पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। तो इस वक्त तक जो परिणाम आए हैं उनमें 9 जिला परिषदों में बीजेपी आगे चल रही है, 6 जिला परिषदों में बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है, जबकि 1 जिला परिषद में निर्दलीय आगे है, 3 जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जबकि 4 जिला परिषदों में कांग्रेस का वोट बनना तय हो गया है। 81 पंचायत समितियों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि 55 पंचायत समितियों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। तो लगातार परिणाम आ रहे हैं और समाचार पत्र आपको सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे बता रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है और तभी से समाचार पत्र आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, पूरे राजस्थान में कहां पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहां खुशी मनाई जा रही है, कहां गम में प्रत्याशी डूबे हैं, तमाम तस्वीरें समाचार पत्र आपको सबसे पहले दिखा रहा है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां पर बीजेपी आगे है, कहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो दोनों राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत इस बार झोंक दी थी, क्योंकि आखिरी चुनाव है, इसके बाद तकरीबन 4 साल के करीब इंतजार करना पड़ेगा जब कोई चुनाव में दोनों दल टकराएंगे। और ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, झुंझुनू, दौसा, नागौर, भरतपुर, बारा, टोंक, सिरोही और श्री गंगानगर की, जहां पर मतगणना का काम चल रहा है। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज में काउंटिंग हो रही है, तो दौसा और नागौर में भी मतगणना हो रही है। दोपहर तक सभी वार्ड के रिजल्ट आने की संभावना थी, कई जगहों के परिणाम आ भी गए हैं, कई जगहों के परिणाम आने बाकी हैं। वहीं भरतपुर में भी अगर बात करें तो वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यहां पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष और एडीएम के बीच कहासुनी हुई थी। वहीं बारा टोंक में भी काउंटिंग चल रही है, सिरोही में 8 सीटों के लिए रिजल्ट आ चुके हैं, इनमें 5 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। आखिरी तस्वीर श्री गंगानगर की है, जहां पर 9 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग चल रही है, पंचायत समितियों के 167 सदस्यों के भाग्य का फैसला आज होना है। तो 4 अलग अलग जगह की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ की है, वहीं सीकर, बांसवाड़ा और चूरू की 4 तस्वीर, जहां पर सुबह से मतगणना का दौर चल रहा है। सीकर में 9 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि बांसवाड़ा में भी वोटिंग चल रही है, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं चूरू में 7 पंचायत समितियों में से 3 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। और यहां से ये जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो आने वाले कुछ दिनों तक बदस्तूर जारी रहने वाला है। तो लगातार परिणाम आ रहे हैं और समाचार प्लस आपको पल पल की अपडेट लगातार दे रहा है कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। चलिए इस वक्त मेरे साथ हमारे जयपुर स्टूडियो से शारदा कांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बसंत चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप तीनों का स्वागत है। और जो मेरा पहला सवाल आज श्याम सुंदर शर्मा साहब से ही होगा, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा लगातार कई पंचायत चुनाव इन्होंने देखे होंगे। श्याम सुंदर जी, जो परिणाम आ रहे हैं, क्या परिणाम देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, अपेक्षित थी? देखिएगा धर्मराज जी, जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उसे कांग्रेस का तो जो मृत स्थिति थी वो उठाव ले रही है, कुछ उसकी स्थिति जो कुछ मिल रहा है उसको गेन ही हो रहा है जी। लेकिन बीजेपी भी बढ़त बनाए हुए, आप देख रहे हैं कि करीब 10 जिलों में बीजेपी आगे है और 7 में तो स्पष्ट बहुमत मिल गया है जी। 3 पर कांग्रेस को बहुमत मिला है, बाकी जगह 1 पर निर्दलीय आगे है। तो अब प्रदेश में जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस पहले से कुछ गेन ही किया है उसने, क्योंकि जिस प्रकार से
इनके विधानसभा में मात्र 21 विधायक जीते थे और उसके बाद 163 फिर तीन और जीत गए। अब 160 जब बीजेपी के विधायक हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की जो स्थिति वर्तमान में बन रही है उससे बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा कि उनका संगठन जिस प्रकार से मजबूती से काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। बिल्कुल कांग्रेस और श्याम सुंदर जो जयपुर के रुझान आ रहे हैं वहां पर भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आप देखिए कोटपुतली कांग्रेस ने जीती है अभी विराटनगर में कांग्रेस की स्थिति ठीक थी सांगनेर में भी एक जीता है जो प्रारंभिक रुझान दिख रहा है क्योंकि जयपुर में किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया ग्रामीण क्षेत्र में जो थे उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। चलिए तालमेल नहीं ये बात के विश्लेषण की बात है जब पूरी तस्वीर एक तरीके से क्लियर हो जाएगी। बसंत जी टारगेट कुछ ज्यादा रख दिया था शायद आप लोगों ने और उस टारगेट तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं अभी तो रुझान ही आए हुए हैं अभी तो क्लियर स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है इसमें कोई संदेह नहीं है और रहा कि कांग्रेस ने भी गेन किया है तो कांग्रेस की जो पुरानी स्थिति है उसमें तो बहुत बिगड़ा हुआ है कांग्रेस का जी। अभी रिजल्ट पूरी तरह से साफ नहीं होंगे साफ होने के बाद पता चलेगा कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जीतेंगे। कुछ स्थानों पर कांग्रेस ने प्लस किया है लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नहीं तो जो रुझान आते हैं बसंत चौधरी जी शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे ये लोकसभा या विधानसभा का चुनाव तो है नहीं वोटर्स बहुत कम होते हैं तो जो एक बार रुझान में कोई बहुत ज्यादा लीड कर गया तो फिर चीजें उसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। हाँ आपकी बात है लीड ज्यादा होती भी नहीं है लीड ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं लीड भी कमी होती है जी। लेकिन क्या होता है कि कास्ट इक्वेशन तहसील का स्वरूप प्रधान का लॉटरी में किस जाति का उसका ये सब चीजें नहीं ये तो बसंत जी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था उन्हें पाना ही था खोना आपको था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और आप जो मैंने सवाल शुरू किया था कि शायद आप आउट ऑफ 195 मार्क्स नंबर पाने के लिए दौड़ रहे थे अगर आप 60 नंबर लाइएगा फर्स्ट डिवीजन तो हो जाएगा लेकिन आप खुश तो नहीं हो सकते ना। नहीं देखिए वैसे भी ग्रामीण एरिया में हमेशा कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है जी और पिछले कुछ समय से बीजेपी ने उसमें गेन किया है। पिछला विधानसभा चुनाव और लोकसभा वाला चुनाव तो ऐसा चुनाव था कि नरेंद्र मोदी की वेव थी। नहीं नहीं ये देखिए सुनिए लोग हो गए बसंत जी आप ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा विधानसभा चुनाव में आपको वोट दिया था और जहां पर आपकी पार्टी खुद कह रहा हूं मैं ये आपको सोचना होगा क्यों आप उन लोगों ने 12-13 महीने में आपको वोट नहीं दे रहे हैं ये आपको साथ सोचना पड़ेगा। शारदा जी भी है शारदा जी जो परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए के पक्ष में आ रहे हैं क्या आप लोगों ने उससे ज्यादा बहुत उम्मीद की थी या जो आ रही है उसमें आप लोग खुश हैं? हमें संतोष है कि हमारी जो मेहनत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब अशोक गहलोत जी और दूसरे जो वरिष्ठ नेता इन्होंने जो मेहनत की है दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के जनसंपर्क वापिस जनता से साधा है। कांग्रेस ने अपना जो खोया हुआ वर्चस्व था लोकसभा चुनावों में विधानसभा चुनावों में उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया है और भाजपा की खुमारी उतरी है। ये जो खुमारी इन पर छाई हुई थी लगातार अभी भी छाई हुई है इस खुमारी को जनता ने चुनौती दी है और जनता ने देखा है कि दूर दराज क्षेत्रों में जहां सरकारों को विकास कार्य करने चाहिए थे इन्होंने कैंप करे हर संभाग स्तर पर वहां जाकर के होटलों में ठहरे क्या जनता के काम किए या नहीं किए वो जनता ने इनको परिणाम दिए हैं और जनता ने यह बताया है कि भाजपा में उनका विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जी। यहां पर एक बड़ा अहम सवाल भी आता है श्याम सुंदर जी जो परिणाम आ रहे हैं इन परिणामों को अगर देखें तो अगर कांग्रेस के पक्ष में कोई चीजें जा रही हैं तो उसमें गलती भारतीय जनता पार्टी शासित राजस्थान की सरकार है। नहीं आवाज आ रही है आपको श्याम सुंदर जी? हाँ भाई श्याम सुंदर जी मेरा सवाल ये था कि अगर यहां पर जो जैसलमेर की हम बात कर रहे हैं कोटा की बात करें जो कांग्रेस के खाते में गई है यहां पर और उसका जो जयपुर के रुझान आ रहे हैं अगर हम उस पर बात करें तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा 13-14 महीने में आंदोलन नहीं किया जन सरोकार के मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं आए जो सरकार को घेर पाए जो या फिर जनता को अपने साथ लेकर चले जिसके लिए लोग वहां पर जाएंगे। अगर चीजें कांग्रेस के पक्ष में जा रही है तो ये बीजेपी की गलती है। धर्मा जी पिछले दिनों आपने देखा होगा खाद को लेकर के जिस प्रकार का आंदोलन प्रदेश में हुआ
उसका फायदा कांग्रेस को अभी अपने आप मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने इतना मजबूती के साथ कुछ किया नहीं। लेकिन ये भी अभी सोचने का विषय ये हो गया है कि झालावाड़ तो मुख्यमंत्री ने आप जीत ली है, लेकिन बाकी बूंदी और कोटा में बीजेपी की जो स्थिति हुई है उससे लगता है कि बीजेपी पहले से बहुत कमजोर स्थिति में वहां आ गई है। जैसलमेर में जो आप देख रहे हैं, जैसलमेर में भी कांग्रेस ले गई। अब आपके पास सत्ता होने के बाद भी आप बहुत कुछ काम कर सकते थे, दिखा सकते थे, केवल आप बोले। बजट की बहुत सारी घोषणाएं पूरी होने की स्थिति में नहीं आई जी। जो बीजेपी कह रही थी वो कर नहीं पाई, इसलिए बीजेपी के नेता गांव में जो तालमेल बना के कुछ कहने वाले थे वो कह नहीं पाए, उसका परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। एक बड़ा अहम इश्यूज उठा है लगातार समाचार पत्र पिछले 3-4 महीने से, इस चीज पर हमने कई बार बहस भी की है, खबरें तो लगातार हम दिखाते रहे हैं। खाद के मुद्दे को लेकर राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया होगा और किसानों को परेशानी नहीं होनी होगी। बसंत चौधरी जी, जो किसान आपकी पुलिस के डंडे खा रहा है खाद की वजह से, जो किसान 5-5 दिन 7-7 दिन इंतजार कर रहा है 10-10 घंटे की मुझे खाद मिल जाए, उसे खाद नहीं मिल रहा, वो किसान आपको क्यों वोट करेगा? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। खाद वितरण में अव्यवस्था हुई और उसका कारण केंद्र से खाद लेट राजस्थान में पहुंचा। बसंत जी आप बोलिए, एक मिनट आपको एक क्लियर कर दूं। जब हम खाद के मुद्दे को लेकर अपने हमारा जो बिग बुलेटिन होता है उसपे हमने कृषि मंत्री से बात की थी, कृषि मंत्री साहब ने भी तमाम तर्क दिए। ग्रामीण जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कि वो केंद्र और राज्य के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके राज्य के कई बड़े नेताओं ने तो सिरे से इस चीज को नकार दिया कि खाद की कोई कमी है। नहीं, कमी नहीं है, मैंने नहीं कहा कि कमी है, कमी नहीं थी। अभी सब लोगों को, सब किसानों को खाद मिल गया, जितना उनको चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा, लेकिन देरी से आया, उनका वितरण टाइम पे नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो गया, उस कारण वो समस्या हुई। और आप जानते हो कि विपक्ष का काम यही है कि गांव की जनता, गरीब किसान अगर थोड़ा सा भी सरकार से नाराज होता है तो वो और उकसाते हैं उसको कि आप हमने तो करेंगे, आप आंदोलन करिए, का काम है, अगर वो नहीं करेंगे हाँ। तो फिर आप होश पे भी नहीं आएंगे। नहीं, आप मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिए कि राजस्थान का कोई ऐसा जिला बचा होगा जहां पर किसानों ने सड़क जाम नहीं किया होगा खाद की वजह से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। वो 2-3 जिलों में ऐसी अभी भी आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, सब जिलों में नहीं हुआ, आपको आप भी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। नहीं नहीं, ये मैं शारदा जी से सुझाव लूंगा, बसंत जी, अगर मैं शारदा जी से, सिर्फ 2-3 जिलों में ऐसा हुआ, बाकी सब जगह पर्याप्त नहीं। अगर मैं शारदा जी से इसका जवाब लूंगा तो आप कहेंगे कि वो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी बैठे हैं सर, हम तो नोएडा बैठे हैं, हम ग्राउंड जीरो पर नहीं है, श्याम सुंदर जी है, लगातार उनका अनुभव है। श्याम सुंदर जी, जो बात बसंत चौधरी कह रहे हैं, क्या आप इत्तफाक रखते हैं उनकी बातों से? धर्मराज जी, आपने खुद ने, जब मैं भी एक आध बार आपके इस पे बैठा था तो वहां पर स्पष्ट हो रहा था कि बूंदी में हालत खराब थी, कोटा में हालत खराब थी, आपके बाकी जिलों में भी, ये क्योंकि असेसमेंट कर ही नहीं पाए। खाद की जो डिमांड केंद्र सरकार को भेजी जानी चाहिए थी उसका असेसमेंट राज्य सरकार कर ही नहीं पाई, उन्होंने सोचा खाद का तो जरूरत ही नहीं है, उसका परिणाम उनको देखने को मिला। अभी ये कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में, जब आपने डिमांड ही नहीं की केंद्र को, और यहाँ का खाद गुजरात चला गया, इनको ये पता नहीं, यहाँ का खाद गुजरात चला गया, तो गलती किसान की नहीं है ना, वो गलती किसान की तो नहीं है, सरकार की। बिल्कुल, ये श्याम सुंदर जी, यही तो प्लानिंग होती है। अगर दिसंबर के महीने में फसल को खाद चाहिए तो राज्य के कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय को तो अगस्त से ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, उन्होंने प्लानिंग की नहीं, और दिसंबर जब स्थिति खराब हुई तो आपने चीजों को सिरे से दरकिनार कर दिया। समय रहते, अच्छा, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, अब ये कह दें कि हमको मिलना नहीं, बहुत तत्काल अगर चाहते, अगर तालमेल भाजपा का केंद्र से सही होता तो ये परिणाम देखने को, खाद का कमी देखने को मिलती नहीं। मैं आपको बताऊं, इनको ये पता नहीं कि मुख्यमंत्री के संबंध प्रधानमंत्री के साथ इतने अच्छे मधुर नहीं है, एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, वो नहीं मानेंगे, परिणाम तो यहाँ देखने को, वो नहीं मानेंगे, मुलाकात नहीं हुई बसंत जी। अरे सुंदर जी, वो व्यवस्था अगर नहीं कर पाते ना
तो आज आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है। नहीं हुआ इसका प्रचार हो रहा है। दो चार दिन श्याम सुंदर जी, बसंत जी की राजनीतिक मजबूरी है, उन्हें राजनीति में भी बहुत आगे जाना है, वो नहीं कर पाएंगे, वो चीज को नहीं बोल पाएंगे और ऑन रिकॉर्ड तो खैर कभी नहीं बोलेंगे, शायद जब शो खत्म हो जाए उसको जाके बात कीजिएगा तो इसी को स्वीकार भी कर ले। रामायण जी जयपुर की स्थिति भी इनको मालूम नहीं क्या स्थिति हो रही है, अभी परिणाम देखने को मिल रहे तो ये अब अंदर से पता नहीं पड़ रहा होगा कि जयपुर के हालात अगर उल्टे हो रहे हैं तो फिर भी इनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल वो नहीं, क्योंकि आप पूरी जब राजस्थान की बात करते हैं वहां आप अगर जीत अगर आप क्लीन स्वीप कर जाते हैं और अगर जयपुर नहीं बचा पाते हैं तो ये बड़ा मैसेज होगा। ये तो नहीं ऐसी स्थिति है, जयपुर बचाएंगे, आप चिंता मत करिए। तेरह पंचायत आप भी है और अब 13 में से मान लो एक आध अगर कांग्रेस ले भी जाएगी तो इतना तो उनका ही बनता है, वो भी बैठे हैं। बसंत चौधरी जी बसंत 50 साल तक उन्होंने देश में राज किया, राजस्थान में राज किया, तो चौधरी साहब आप भी कमजोर जड़े नहीं हुई है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। बसंत चौधरी जी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आप भी हैं मैं भी हूँ, हम देखेंगे इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे। लेकिन शारदा जी कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ी बहुत एक ग्राउंड बना हुआ था, आप शायद उस ग्राउंड पर अच्छे तरीके से रन नहीं बना पाए, क्योंकि अगर आप रन उस ग्राउंड पर अच्छे से बैटिंग करते तो शायद स्थिति और अच्छी होती। ये ऐसा नहीं है धर्मराज जी, कांग्रेस सचिन पायलट साहब ने पूरे राजस्थान भर का संगठनात्मक ढांचा का पुनर्गठन किया है, सभी जिलों से सभी तरह के लोगों को पद भी दिए हैं, जिम्मेदारी दी है। इस बार पंचायत राज का जो चुनाव है बहुत ही तरीके से लड़ा है और उसका परिणाम है। हाँ एक बात जरूर है कि सरकार जहां होती है तो सरकारी तंत्र का लाभ जरूर मिलता है, वो लाभ मिलता नजर आ रहा है चुनावों में, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है, तो मेरे साथी मित्र बसंत जी बैठे हुए हैं, बसंत तो कांग्रेस का आ गया, नई कौपल फूट गई, लेकिन भाजपा का अंत भी बस आ गया। तो देखिए जी आपको बताओ कि इनको इस सहारा तो अभी 4 साल निकालने हैं कम से कम, अरे चलिए और केंद्र में तो 10 साल तक आने वाले नहीं, अरे वो खुश हो जा रहे अच्छी बात है ना, राजस्थान में भी 10 साल तक कहीं इनका कोई कहीं कोई आधार नहीं है। काम है ज्योतिष करने का, चौधरी भी ज्योतिष कब से करने लग गए, ये ज्योतिष नहीं है, ये वोट है, ये किसी की बात होती नहीं है जी, ज्योतिष ही आजकल हर व्यक्ति करने लगा है, वोटों का चमत्कार है, वोटों ने नतीजे बता दिए, हमारी उतार दी। लेकिन नहीं, और केंद्र और राज्य के संबंध जितने दूषित और बिगड़े हुए हैं, शायद इस पंचायत राज चुनाव के बाद में राजस्थान को एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। नहीं वो थोड़ी आगे नहीं, शायद वो थोड़ी आगे की बात हो गई, वो तो उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन जो मेरा मूल सवाल था आपसे कि जिस तरीके से किसानों को परेशानी हुई, पूरे राजस्थान में खाद को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, सिंचाई के पानी को लेकर किसान परेशान थे, आपकी पार्टी अगर चाहती तो एक लामबंद आंदोलन कर सकती थी, सरकार को घेर सकती थी, आपने किया नहीं, शायद आपको लगा कि ग्रामीण वोटर तो हमारे पेटेंट वोट बैंक हैं। नहीं नहीं वो सोच नहीं था, ये आपकी बात सही है कि हमको जो सड़कों पर उतर करके जो आंदोलन का अगुआ होना चाहिए था, बिल्कुल उसमें कहीं कहीं हमने कमी हमारी कमी रही है, शायद ये सोच करके कि अगर हम ये आंदोलन के अगुआ बनेंगे तो राजनीतिक आरोप लगेंगे कि कांग्रेस भड़का रही है लोगों को, ये तो गोली चलाने पर भी आमादा हो जाएंगे, इन्होंने तो पानी मांगने वालों पर भी लाठी चलाई थी जी, तो ये तो गोली चलाते लोग मरते नहीं, कहीं कहीं कांग्रेस। चलिए शारदा जी ने आपने जिस चीज को स्वीकार किया, आपने जो स्वीकार किया इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, राजनेता स्वीकार नहीं करते। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, करौली से आ रही है, जिला परिषद का परिणाम घोषित किया जा चुका है, करौली में कांग्रेस पार्टी का वोट बनने जा रहा है, 18 वार्डों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है, जबकि 7 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, 2 वार्ड में निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। बड़ी खबर इस वक्त की करौली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने वोट बनाने की ओर अग्रसर है, कांग्रेस पार्टी यहां पर वोट बनाने जा रही है, करौली जिला परिषद का परिणाम घोषित किया जा चुका है, कांग्रेस पार्टी यहां पर लीड करती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने 18 वार्डों पर कब्जा जमाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 7 वार्ड ही गए हैं और 2 वार्ड निर्दलियों के खाते में गए हैं, यानी कि वोट करौली में कांग्रेस पार्टी की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक और वोट फिसल चुका है, यानी जो टारगेट लेके चला जा रहा था उससे भारतीय जनता पार्टी एक कदम और पीछे हट गई है, वहीं कांग्रेस पार्टी जिनका मनोबल लोकसभा विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव पर जो गिरा हुआ था
वहां पर ये मॉरली एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, यानी इनका मनोबल एक कदम और बढ़ा होगा। मेरे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं शारदा कांत शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अलावा बसंत चौधरी साहब भी बने हुए हैं। और पहला जो रिएक्शन मैं चाहूंगा, क्योंकि शारदा जी कुछ कह रहे थे, शारदा जी करौली का परिणाम आ चुका है, आपकी पार्टी यहां पर वोट बना रही है। बिल्कुल, ये अभी शुरुआत है, कांग्रेस ने बहुत गेन किया है, अभी पूरे जब संपूर्ण परिणाम आ जाएंगे तो कांग्रेस बहुत ही अच्छी फिगर में, सम्मानजनक स्थिति में राजस्थान में नजर आएगी, ये बहुत ही स्पष्ट होने जा रहा है। और इसके लिए आम मतदाता को धन्यवाद है कि उन्होंने नकार दिया अपनी पुरानी चूक को, विश्वास, अच्छे दिनों की शुरुआत, अच्छे दिन के वादे, वो खाते खुलवा दिए थे, 15 लाख के वादे किए थे, वो जेब में से निकाल और रहे हैं, गैस सब्सिडी, तेल, पेट्रोल, डीजल, इनमें जो कीमतें घट रही हैं, वो सरकार यहां पर सेस लगा करके, वैट लगा करके वापस उसकी वसूली अपने खातों में ले जा रही है, आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा, ये उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। चलिए हम श्याम सुंदर जी से इस मुद्दे पर रिएक्शन लेंगे कि करौली का ये परिणाम क्या कुछ कहता है। उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें हम, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ का बयान आया है पंचायत चुनाव के नतीजों पर। उन्होंने कहा है कि गांवों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये दावा किया है शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने। जो परिणाम आ रहे थे उस पर उन्होंने कहा है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये बयान शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ का है। क्या कुछ कहा है एक बार सुनाते हैं आपको। चलिए आपको उनका बयान सुनाएं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने पंचायत चुनाव के नतीजों पर कहा है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, यानी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं बीजेपी के नेताओं की, तमाम जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है, जगहों पर बीजेपी की सरकार बन भी रही है। लेकिन इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जो टारगेट वो लेके चल रहे थे उसका क्या, क्योंकि परिणाम जो आ रहे हैं वो बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता कह रहे थे चुनाव के दौरान उनसे मेल खाता नजर नहीं आ रहा जो परिणाम है। पंचायत चुनाव के नतीजों पर शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आप। में भी जिस प्रकार का रुझान अभी तक आया है उससे ऐसा लगता है कि अधिकांश जिला परिषदें और पंचायत समितियां भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और प्रधान और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को अभी भी भरोसा है कि गांव में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, पंचायत चुनाव के नतीजों पर उनका बयान है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री साहब क्या कुछ कह रहे हैं। पंचायत के चुनावों में भी जिस प्रकार का रुझान अभी तक आया है उससे ऐसा लगता है कि अधिकांश जिला परिषदें और पंचायत समितियां भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और प्रधान और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चलिए सुन लिया आपने क्या कुछ कहना है कालीचरण सराफ का। अभी भी उम्मीदों का डोर थामे हुए हैं कालीचरण सराफ, और शायद अभी जो उनका बयान है वो ठीक है, जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है, लेकिन जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी देर रात तक, उसके बाद जब कल सभी चीजों को देखा जाएगा तब शायद बीजेपी के नेता जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि जो हम लगातार कह रहे हैं टारगेट उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा रखा था। तो समाचार प्लस पर हम सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे दिखा रहे हैं, और इस वक्त तक के अपडेट एक बार फिर से आपको हम बता दें, मतगणना जो ताजा अपडेट है, 9 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि 6 जिला परिषदों में बीजेपी वोट बना रही है, 1 जिला परिषद में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो 3 जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, वहीं 4 जिला परिषदों में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनना लगभग तय हो गया है, 84 पंचायत समितियों पर बीजेपी का कब्जा है हुआ है, तो 56 पंचायत समितियों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। तो लगातार समाचार प्लस आपको सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे दिखा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, जहां पर हम चर्चा को खत्म करके गए थे वहीं पर आएंगे। करौली के बारे में हमने जो बताया कि करौली में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पिट गई है, वहां पर कांग्रेस वोट बना रही है। श्याम सुंदर जी, करौली में जिससे जो परिणाम आए हैं, करौली
को भी आपने देखा होगा बहुत करीब से, क्या अपेक्षा किया जा रहा था करौली के क्षेत्र में कि वहां पर कांग्रेस कमबैक कर सकती है? धर्मराज जी, क्योंकि पूरी राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही थी विधानसभा के चुनाव में भी, और जिस प्रकार से रिजल्ट अभी देखने को मिला कि करौली जीत गए ये लोग, कांग्रेस जीत गई, तो वहां मजबूती की स्थिति में कांग्रेस है। जब सरकार आपके द्वारा गई थी भरतपुर संभाग में, तो वहां पे सब कुछ देखने को मिला था, बहुत कुछ कह के आ गए थे, कुछ हुआ नहीं। तो जनता आजकल रिजल्ट चाहती है, जनता अब ये नहीं चाहती कि आप कह दोगे उस पर विश्वास कर लेगी। पूरा 9 महीने का करीब शासन इनका हो गया, उसके बाद भी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं बन पा रहे। पूरे 1 साल पूरा हो गया, 11 उनके 1 साल हो गया, उसके बाद कुछ कर नहीं पाए। इन्होंने घोषणाएं जरूर की, घोषणा के अनुरूप जो काम देखने को नहीं मिला सरकार का, तो उसका रिजल्ट सरकार को जनता दे देती है साथ के साथ। जनता कभी रखती नहीं है पास में अपने। आप अभी पिछले जब चुनाव हुए थे, उपचुनाव जब हुए थे, उसमें भी कांग्रेस आगे रही थी, तो लग रहा था कि ये लोगों ने बाड़ेबंदी भी की, वहां के लोगों को यहाँ लाए भी थे, लेकिन उसका परिणाम सच्चा नहीं निकला। वहां पर तो इनका बाड़ेबंदी का कोई नजर देखने को मिला। जयसिंहपुरा में बीजेपी वाले लाए थे सब वहां से करौली वालों को, लेकिन उसका परिणाम अभी देखने को नहीं मिला। अब वहां पे सीधे तौर पर कांग्रेस ले गई। अब मुख्यमंत्री को फिर एक बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि परिणाम सोचने वाले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि अभी बसंत चौधरी और उनके मित्र इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो हमने एक आंकड़े दिखाया, जो आंकड़े आ रहे हैं, शायद पिछले कुछ 2-3 चुनाव में आप लोगों को ऐसे आंकड़े देखने की आदत नहीं रही होगी, क्योंकि आप 25 पे 25 जीत के आए गए, आप 163 जीत कर आ गए, नगर निगम में भी आप पूरे ताकत के साथ आपने परफॉर्म किया। यहां पर जो परिणाम आए हैं, जो परिणाम अब तक जो रुझान कह लें, यहां पर जो स्थिति साफ हो गई है, क्या वाकई आप लोगों ने अपेक्षा किया था कि इस तरीके के परिणाम आ जाएंगे, या फिर आप लोगों ने तमाम तरीके के जो साम दाम दंड भेद होते हैं, कटारिया साहब ने भी कहा था अध्यादेश के बाद कि 50% तो कांग्रेस की राजनीतिक मौत हो गई है, फिर भी इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करने के बाद परिणाम आपके पक्ष में जा क्यों नहीं रहे? नहीं, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये पंचायत राज का चुनाव गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में लड़ा गया था, और उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो पूरे प्रदेश में दौरे नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अभी भी वो बीमार चल रहे हैं। उनका पिछला तो करीबन 1-1.5 महीना तो सिर्फ बीमारी की वजह से वो क्षेत्र में नहीं जा पाए। चलिए, चुनाव ये सरकार का चुनाव नहीं था, ये छोटी इकाइयों का चुनाव था, संगठन ने इसको अपने स्तर पे ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। जीतते हैं तब सरकार जीतती है, हारते हैं तो छोटी इकाई के चुनाव होते हैं। ये नगर हारने की स्थिति नहीं है। नगर निगम में आप लोगों को बता दूं कि 33 जिला परिषदों में अगर 3 जिला परिषद कांग्रेस जीत जाती है, साहब नगर निगम के चुनाव में बीजेपी हार गए बजाय थे। नहीं, नगर निगम के चुनाव में आप लोगों ने बहुत ढोल बजाए थे, वो भी बहुत छोटा चुनाव होता है, बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने ढोल बजाए थे। चलिए, फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।